बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन मीडिया के टॉपिक को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोडेम, और उसके करेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स की डिटेल्स देखेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों, मोडेम एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, एक कम्युनिकेशन हार्डवेयर होता है जो कि यूज होता है किसी भी दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत सी डिवाइसेस हमने पहले भी पढ़ी हैं, जैसे कि राउटर्स, स्विचेस, रिपीटर्स वगैरह, जो कि किसी भी दो या फिर दो से ज्यादा डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो फिर मॉडेम का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स आपस में डेटा को एक्सचेंज करते हैं, और डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए वो किसी ना किसी मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, और वो मीडियम वाइड भी हो सकता है और वायरलेस भी। अगर तो वो मीडियम वाइड है, जैसे कि केबल्स के थ्रू डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, और केबल्स के थ्रू जो सबसे सिंपलेस्ट वे है डाटा को सेंड करने की वो है टेलीफोनिक लाइंस। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि डाटा को टेलीफोनिक लाइंस पर डाल सके, और इसके लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं वो कहलाती हैं मोडेम्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अ मोडेम इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू सेंड द डाटा ओवर केबल्स। यानी मोडेम इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जो किसी भी कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटा को केबल्स पर डालती हैं, ताकि वो डाटा दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंच सके। और फ्रेंड, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं कि मोडेम दो लफ्जों का मजमुआ है, यानी MO रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलेटर को, और DEM रिप्रेजेंट करता है डी मॉड्यूलेटर को। यानी मोडेम में दो तरह के सर्किट्स मौजूद होते हैं, द फर्स्ट वन इज मॉड्यूलेटर एंड द अनदर वन इज डी मॉड्यूलेटर। तो फ्रेंड्स, ये मॉड्यूलेटर क्या करता है? मॉड्यूलेटर इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू इट्स एनालॉग फॉर्म एंड देन सेंड इट टू द केबल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है, चाहे वो फाइल्स हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो, सब डिजिटल फॉर्म में होता है, यानी वन और जीरोस की फॉर्म में। और जब हमें उस डाटा को किसी दूसरे कंप्यूटर को भेजना होता है, तो अगर हम उसे टेलीफोनिक लाइन्स के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो टेलीफोन लाइन डिजिटल डाटा को कैरी नहीं कर सकती, वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को ही कैरी कर सकती हैं, यानी एनालॉग सिग्नल्स को ही एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती हैं। इसीलिए जरूरत पड़ती है उन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने की, और ये काम करता है मॉडेम में मौजूद मॉड्यूलेटर का सर्किट। और इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में तब्दील किया जाता है, ये प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेशन। इसके बाद जो मॉडेम दूसरी फंक्शनैलिटी फराहम करता है, वो करता है डी मॉड्यूलेटर की। और डी मॉड्यूलेटर क्या है? इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। तो फ्रेंड्स, मॉडेम का जो अगला काम है वो है डी मॉड्यूलेशन करना। और ये डी मॉड्यूलेटर क्या करता है? टेलीफोन लाइन से जो एनालॉग फॉर्म में डाटा आता है उसे रिसीव करता है, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर उस एनालॉग डाटा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ डिजिटल डाटा को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, तो दोबारा उस डेटा को, यानी उस टेलीफोन लाइन पर मौजूद एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल में, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डीमॉड्यूलेशन। इन शॉर्ट, मॉडेम का काम होता है सेंडिंग एंड पर एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का, और फिर जब वो डेटा रिसीविंग एंड पर पहुंच जाता है, तो रिसीविंग एंड पर दोबारा से उस एनालॉग सिग्नल्स को उसकी फर्स्ट फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, यानी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का। तो दोस्तों, इस फिगर में देखिए, इसमें यानी इस पूरे प्रोसेस के अंदर दो मोडेम्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट मोडेम लगाया जाता है सेंडिंग कंप्यूटर के साथ, और दूसरा लगाया जाता है रिसीविंग कंप्यूटर के साथ। अब कंप्यूटर वन डिजिटल डाटा को टेलीफोन लाइन पर डालने से पहले उसे मोडेम वन को दे देता है। मोडेम वन उस डिजिटल डाटा को
एनालॉग में कन्वर्ट करके केबल पर डाल देता है और केबल उसको लेकर जाती है, लेकिन रिसीविंग कंप्यूटर को देने से पहले वो एनालॉग डेटा दिया जाता है मॉडेम 2 को, और मॉडेम 2 उस एनालॉग डेटा को दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है रिसीविंग कंप्यूटर को, ताकि कंप्यूटर उस डिजिटल डेटा को प्रोसेस कर सके। और फ्रेंड्स ये देखिए, इट इनेबल्स यूजर्स टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर बाय यूजिंग टेलीफोन लाइंस। यानी जब भी आपको टेलीफोन लाइंस के थ्रू डेटा को भेजना होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहां मोडेम्स को इस्तेमाल किया जाएगा। इन शॉर्ट, मोडेम के जरिए ही आप टेलीफोन लाइंस पर मौजूद डेटा को ट्रैवल करा सकते हैं। यानी अगर आपको टेलीफोन लाइंस पर अपने डेटा को भेजना है तो इसके लिए मोडेम्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, वरना आप अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास नहीं भेज सकते। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मॉड्यूलेशन किस तरीके से करता है। तो ये देखिए, द मॉड्यूलेशन कैन बी डन इन डिफरेंट वेज एंड द मोस्ट कॉमन मेथड आर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यानी डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए दो मेन टेक्निक्स यूज की जाती है, जिनमें पहली टेक्निक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में डिजिटल सिग्नल्स को, जो कि बाइनरी 0 और 1 की शक्ल में होते हैं, उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जरिए एनालॉग वेव में तब्दील किया जाता है। यानी इसमें इस बाइनरी 0 और 1 को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दी जाती है और इस तरीके की वेव्स के अंदर तब्दील किया जाता है, इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का नाम दिया जाता है। इसके बाद है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर अलग अलग एम्पलीट्यूड्स के जरिए डिजिटल डेटा को कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग वेव फॉर्म में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये एम्पलीट्यूड को करती है, और यहाँ पर आपको हर वेव का एक अलग एम्पलीट्यूड नजर आएगा। तो इस तरीके से डिजिटल डेटा को कन्वर्ट किया जाता है वेव की फॉर्म में थ्रू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो फ्रेंड्स, ये थी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। अब किसी भी मॉडेम को खरीदने से पहले उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का ख्याल रखा जाता है, कुछ फीचर्स का ख्याल रखा जाता है। तो उनमें सबसे पहला फीचर है स्पीड। जैसे कि हम जानते हैं कि मॉडेम का मेन काम होता है मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन करना, तो किसी भी मॉडेम को खरीदने से पहले इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि वो कितनी तेजी से मॉड्यूलेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर की स्पीड फास्ट है, वो 1000 bits को एक वक्त में मॉडेम को दे रही है, लेकिन आपकी मॉडेम सिर्फ 100 bits को ही एक वक्त में एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है, तो दिस मीन्स कि उसकी स्पीड स्लो है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, द स्पीड ऑफ अ मॉडेम इज डिटरमाइंड बाय द मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड। यानी मॉडेम की स्पीड का तायुन उसके मॉड्यूलेशन प्रोसेस से लगाया जाता है। इसके बाद जो अगला फैक्टर है, जो अगला फीचर है, वो है ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट मीन्स एक सेकंड में आपकी मॉडेम कितनी बिट्स को केबल पर डाल सकती है, क्योंकि मॉडेम का काम मॉड्यूलेशन के साथ साथ डेटा को टेलीफोनिक केबल पर डालना भी होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि ट्रांसमिशन रेट क्या है। इट इज द स्पीड एट विच मॉडेम ट्रांसमिट डेटा एंड द ट्रांसमिशन रेट इज एक्सप्रेस्ड इन KBPS, यानी किलो बिट्स पर सेकेंड। और ट्रांसमिशन रेट के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है KBPS। और फ्रेंड्स, आजकल 56 KBPS के मॉडर्न मॉडेम्स आ रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जा रहे हैं। और 56 KBPS का मतलब है कि वो 56 किलो बिट्स को एक सेकेंड में केबल पर, यानी टेलीफोनिक लाइन पर डाल सकते हैं। इसके बाद जो इसका अगला फीचर है वो है डेटा कंप्रेशन। दोस्तों, डेटा कंप्रेशन के मायने हैं डेटा को इस तरह कंप्रेस करना, छोटा करना, ताकि उसके साइज को कम किया जा सके बगैर उसकी क्वालिटी को मुतासिर किए। और कंप्रेशन इसलिए भी की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा को कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। और फ्रेंड्स ये देखिए, मॉडर्न मॉडेम्स यूज डेटा कंप्रेशन टेक्नोलॉजीज टू श्रिंक द साइज ऑफ डेटा बिफोर ट्रांसमिटिंग इट
ओवर द टेलीफोन लाइंस। और जो आजकल न्यू मोडेम्स आ रही हैं, मॉडर्न मोडेम्स आ रही हैं, उनमें ये डेटा कंप्रेशन की कैपेबिलिटी मौजूद है, जिसके जरिए ये बहुत तेजी के साथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को सेंड कर सकती है। और इसको इसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है एरर कंट्रोल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोडेम्स का काम होता है डेटा को, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में तब्दील करके टेलीफोन लाइंस पर डालने का, और केबल्स के अंदर नॉइस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के थ्रू एरर्स का आना बड़ी बात नहीं है। यानी जब आपका डेटा टेलीफोन लाइंस पर डाला जाता है तो उन टेलीफोन लाइंस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी मौजूद होती है और नॉइस भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से आपके डेटा के अंदर एरर्स आ सकते हैं। तो अब जो न्यू मोडेम्स आ रही हैं, उनमें एरर कंट्रोल का भी फीचर मौजूद है, जिसके जरिए अगर आपके डेटा में कोई एरर है तो मोडेम उसको डिटेक्ट करके डेटा को रीट्रांसमिट करने की रिक्वेस्ट करेगी, यानी डेटा में मौजूद एरर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो ये काम होता है मोडेम का, यानी ये फीचर भी अगर आपकी मोडेम के अंदर मौजूद है तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे मोडेम के फीचर्स। आइए इसकी टाइप्स को देखते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोडेम। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल मोडेम, द सेकंड वन इज इंटरनल मोडेम, एंड द थर्ड वन इज वायरलेस मोडेम। तो आइए सबसे पहले एक्सटर्नल मोडेम को देखते हैं। एक्सटर्नल मोडेम इज अ सेपरेट बॉक्स एंड इज एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द सिस्टम बाय मींस ऑफ अ केबल। तो दोस्तों, एक्सटर्नल मोडेम इस तरह के मोडेम्स होती हैं जो कि अलहदा से आपको खरीदनी होती हैं और अलग से ही अपने पीसी से उन्हें अटैच करना होता है किसी भी तार के जरिए, जिस तरह आप माउस और कीबोर्ड को अलहदा से अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये मोडेम है और इस मोडेम को आपने अपने पीसी से कनेक्ट किया है थ्रू दिस केबल। द मोडेम is a self-contained unit which is connected to the PC using a serial cable called COM1 and COM2 port. दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको तार के जरिए आप अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, तो मोडेम की जिस पोर्ट से आप अपने सिस्टम को कनेक्ट करेंगे वो कहलाती है COM1 और COM2 port, यानी कम्युनिकेशन 1 और कम्युनिकेशन 2 port. It is connected to the telephone wall jack by another cable. Friends, क्योंकि मोडेम का काम होता है कंप्यूटर के दिए गए डेटा को टेलीफोन लाइन पर डालने का, मींस कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन दोनों को मोडेम से कनेक्ट होना जरूरी है। तो कंप्यूटर तो COM1 और COM2 पोर्ट से मोडेम से जोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे ही टेलीफोन लाइन से मोडेम को एक केबल के जरिए कनेक्ट किया जाता है। यानी आपको कंप्यूटर को भी मोडेम से जोड़ने की जरूरत होती है, साथ के साथ टेलीफोन लाइन को भी, क्योंकि आपको कंप्यूटर से आने वाले डेटा को टेलीफोन लाइन पर डालना है, तो टेलीफोन लाइन को भी इस मोडेम से जोड़ने की जरूरत होती है। तो इसके लिए एक टेलीफोन वॉल जैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए इस टेलीफोन के केबल को इस मोडेम से कनेक्ट किया जाता है। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये अलग से कंप्यूटर से अटैच की जाती है, सो इट नीड्स एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। इसको चलाने के लिए पावर सप्लाई भी अलग से रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, बट इट इज इजी टू सेटअप। इसको इंस्टॉल करना आसान होता है, आप इजीली किसी भी वक्त केबल से इसे जोड़ सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं। ना ही इसके लिए आपको कंप्यूटर को बंद करना पड़ता है, और ये पोर्टेबल होती है, मीन्स जिस भी कंप्यूटर के साथ अटैच कर लें, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती कि किस कंप्यूटर के साथ अटैच करना है। हर कंप्यूटर में इस तरह की पोर्ट मौजूद होती है, तो आप जिस भी कंप्यूटर के साथ चाहें इन एक्सटर्नल मोडेम्स को अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो अगली टाइप है वो है इंटरनल मोडेम। यहाँ पर एक्सटर्नल लिखा हुआ है, लेकिन आप इंटरनल कर लीजिएगा। इट इज अ सर्किट बोर्ड दैट कैन बी एडेड टू द सिस्टम यूनिट through an expansion slot. दोस्तों, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर इंस्टॉल की जाती है, मदरबोर्ड पर मौजूद स्लॉट्स पर इनको प्लेस किया जाता है, क्योंकि इनको कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है, इसीलिए दिस टाइप ऑफ मोडेम कैन नॉट बी इजीली मूव्ड
फ्रॉम वन पीसी टू एन अदर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक मोडेम कार्ड है और इस कार्ड को आपको कंप्यूटर के अंदर इन स्लॉट्स के अंदर प्लेस करना होता है, लगाना होता है, तभी आपके कंप्यूटर में इस मोडेम की कैपेबिलिटी आ सकती है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसको सेटअप करना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले आपको इसके लिए अपने सिस्टम यूनिट को बंद करना होता है, यानी उसका स्विच ऑफ करना होता है, उसके बाद केसिंग को खोलना होता है, फिर लगाना होता है, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्लॉट्स में किस तरीके से इन कार्ड्स को लगाया जाता है, यानी इसको सेटअप करना मुश्किल होता है, और साथ के साथ इनको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि मूव करने के लिए बिल्कुल यही प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो ये यकीनन आपके लिए मुश्किल काम है। तो दोस्तों ये पोर्टेबल नहीं होता, इसको सेटअप करना मुश्किल होता है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल मोडेम की तरह कॉस्टली नहीं होता, यानी आपको अलग से बहुत बड़ा साइज मोडेम नहीं खरीदना होता, बल्कि एक छोटा सा कार्ड खरीद कर ही आप अपना काम कर सकते हैं, और ना ही इसके लिए अलग से पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होता है जैसे कि एक्सटर्नल मोडेम के अंदर था। और इसके साथ साथ इसको लगाने के लिए आपको अलग से स्पेस भी रिक्वायर्ड नहीं होती जैसे कि एक्सटर्नल मोडेम्स को रखने के लिए थी, क्योंकि ये आपके पीसी के अंदर लगती हैं, तो इसके लिए आपको कोई और स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती। इसके बाद जो अगली टाइप है वो है वायरलेस मोडेम। वायरलेस मोडेम के भी नाम से पता लग रहा है कि ये वायरलेसली आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं। इनको लगाने के लिए केबल्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिग्नल्स यानी रेडियो वेव्स के थ्रू ये कनेक्ट होती हैं, और आमतौर पर इन्हें वायरलेस नेटवर्क्स में, वायरलेस लैन नेटवर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स ये था मोडेम, उसकी वर्किंग, उसके करेक्टरिस्टिक्स और उसकी टाइप्स। अगले लेक्चर में हम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे।